हरे कृष्णा राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं, सब्जियां काट रही है लाडो के लिए। आनंद निधि सुकुमार गावत जुवती मुदित। तो यहाँ पे लाडू का अभिषेक हो रहा है पंचामृत से, जिसमें आता है दूध दही घी शहद और मीठा पानी, शक्कर वाला पानी। तो अब हमारी लाडू को सजाया जा रहा है, श्रृंगार कर रही है मैया हमारी लाडू का अच्छी तरीके से, और उनकी फेवरेट कलर की पोशाक बनाई थी तो वही उनको पहराई जा रही है अभी यहाँ पे। बरसानी में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। हमारी लाडू कितनी सुंदर लग रही है, अभी तो तैयार नहीं हुई है तब इतनी सुंदर लग रही है। मतलब सच में लाडू की जो चॉइस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो कितना प्यारा कलर लग रहा है, ब्लू कलर एकदम अलग ही दिखता है, अलग ही दिखता है। मतलब सच में बहुत सुंदर कलर लग रहा है, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और लाडू की तो चेहरे पर अलग ही रौनक आ रही थी, ये देखो। और मैया के पास आते थे लाडू इतनी खुश हो जाती है, और देखो मैया को कितने प्यार से हमारी लाडू को लेके आई है। आहा, विराजमान कर दिया भैया राजकुमारी हमारी श्यामा प्यारी लाडली सरकार। ये देखे कितनी सुंदर लग रही है हमारी लाडो रानी, बलिहारी में बलिहारी। और हमारे सारे लड्डू गोपाल आकर इतने खुश हो गए थे हमारी लाडो को, इस साथ में विराजमान हो गए थे सारे लड्डू गोपाल। ये देखिए कितने सारे लड्डू गोपाल आए थे हमारी लाडो से मिलने के लिए, ये। और हमारी लाडो कमल में विराजमान होके कितनी प्यारी लगी है। और यहाँ पे हमने डेकोरेशन की थी तो हमने लिखा था श्री राधा, यानी हमारी राधा रानी का सिंहासन, यानी श्री राधा। और देखे किसी की भी नज़र नहीं हट रही थी, जो भी बैठ रहा था ना लाडो के पास वही बैठा ही रह जा रहा था। तो अन्नू दीदी भी ऐसी खोई की खोई रह गई, देखो ये देखो, और ये बातें कर रही है सबसे। और यहाँ पे देखे डेकोरेशन ऐसी हुई थी, और यहाँ पे फिर आरती स्टार्ट हो गई थी। आरती नहीं आती थी, इसीलिए जो है हमने म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ किया था, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं था हमारा, हम बस ये चाहते थे ताकि सब आराम से आरती कर लें, इसीलिए हमने म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ किया था। तो ये देखिए सब एक एक करके आरती कर रहे हैं, और हमारी श्री जी कमल में विराजमान, और सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी श्री जी की कृपा से। बहुत आनंद आया सच में, मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, बहुत ही कृपा हुई श्री जी की। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर कोई गलती हो गई हो आपको दिखी हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गलती हर किसी से हो जाती है। तो बट हमने जो भी किया वो भाव से किया, हमारे श्री जी के भाव से किया। तो अगर कोई गलती हुई, वैसे तो श्री जी जो भी चाहती है वैसे ही होता है, सब श्री जी की कृपा से होता है। तो अब हमारी श्री जी देखिए झूला झूलेंगी, यहाँ पर हमारी श्री जी का झूला है, ये श्री जी को झूले में विराजमान कर दिया है। और इतनी सुंदर लग रही थी हमारी श्री जी की, मतलब नजरें नहीं हट रही थी हमारी लाडो रानी। और हमारी ब्रिजवासी आंटी आ गई थी झूला झुलाने के लिए लाडो को, और इनका नाम भी राधा ही है।
राधा रानी को झूला झुलाने के लिए राधा आ गई थी, राधा आंटी आ गई थी मतलब। तो बहुत ही आनंद आया, हमने झूला झुलाया। और ये देखे, ये लड्डू आ गए थे, कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये झूला झुला रहे थे लाडो को। ये देखिए कैसे झूला झुला रहे छोटे से लड्डू, बिल्कुल साक्षात आ गए थे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा हमारे लाडो को झूले झुलाने। तो अब भोग लगने का टाइम आ गया था, तो अब भोग लग रहा था यहाँ पे हमारी राधा रानी का, कि भोग कैसे लगता है, पर्दे में भोग लगता है, तो पर्दे में ही भोग लगाया गया था। और जो भी सामग्री राधा रानी ने की कृपा से बनी, वे सब हम बना पाए थे। बाकी जो भी सब राधा रानी की इच्छा थी, वैसे ही वैसे सब हुआ। बस राधा रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे, सभी को राधा रानी भक्ति प्रदान करें, और अपने शरण कमल में रखे हम। तो बस नेक्स्ट पार्ट का कुछ नहीं जाते जीगा। और कितने सारे लड्डू गोपाल आ गए थे, इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था सच में।